मामला काफी विचलित करने वाला है, जहां एक लड़की अपने प्रेमी के प्यार में इतना अंधी हो जाती है कि अपने ही सगे पिता, जिन्होंने इसके पैदा होने की खुशी में सारे क्षेत्र में दावत दी थी, उसने अपने ही पिता को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, अपने 8 साल के छोटे भाई का बड़ी ही निर्ममता से अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। और साथ ही इस पूरे कत्ल की स्क्रिप्ट इन दोनों ने एक मौज ऐप में रची थी, और वहीं मासूम भाई की लाशों के टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में ठूंस दिया। वहीं इस पूरे मामले में एक 5 सिर वाले शैतान का भी किस्सा जुड़ा है, जो 5 लोगों की मौत की लिस्ट दर्शाता है। वहीं इसके बाद दोनों घर से फरार होकर भारत के लगभग सभी राज्यों के साथ ही विदेश में भी जाकर छिपे। वहीं अब 77 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दरअसल ये दोहरे हत्याकांड का मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां मिलेनियम कॉलोनी में जबलपुर रेल मंडल में हेड क्लर्क राजकुमार विश्वकर्मा, जिनकी उम्र 52 साल है, वह अपने छोटे बेटे तनिष्क, जिसकी उम्र 8 साल है, वह 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रहते हैं, और साथ ही इनकी पत्नी की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं पास ही पड़ोस में मुकुल नाम का लड़का रहता है, जिससे इनकी लड़की प्यार करती है, लेकिन राजकुमार विश्वकर्मा को अपनी लड़की का इस लड़के से प्यार करना व मिलना जरा भी पसंद नहीं है। वहीं एक दिन राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी लड़की और इस मुकुल को एक साथ देख लिया, तब राजकुमार विश्वकर्मा ने इस लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एक केस दर्ज कर दिया, और यह लड़का हवालात में चला गया। वहीं हवालात में यह लड़का बदले की भावना में जल उठा, तब इस लड़के ने एक प्लान के तहत अपने सीने में 5 सिर वाले शैतान का टैटू बनाया। वहीं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम इसी शैतानी खोपड़ी वाले टैटू की बात कर रहे हैं। वहीं इस टैटू से इस लड़के को याद रहे कि उसे किससे बदला लेना है, साथ ही किन्हें मारना है, यानी अपने टारगेट को याद दिलाने के लिए यह टैटू बनाया। और इन 5 खोपड़ियों का मतलब एक तो अपनी गर्लफ्रेंड का, जिसने अपने पिता के दबाव के चलते उस पर पॉक्सो एक्ट का एक केस दर्ज कराया, दूसरा गर्लफ्रेंड के पिता यानी राजकुमार जो इनके प्यार के बीच में आ रहे थे, तीसरा अपनी मौसी की लड़की का, चौथा रेलवे के सुरक्षा कर्मचारी झारिया, और 5वां इसे पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार करने वाली महिला एसआई। वहीं जब यह लड़का जेल से बाहर आया तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत फिर से चालू हो गई, तब इसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम हिट लिस्ट से हटा दिया। वहीं इसकी गर्लफ्रेंड भी अपने घर वालों से छुटकारा चाहती थी, तो यह भी अपने सन की आसी की साजिश में शामिल हो गई। वहीं यह लड़की अपने पिता के साथ ही अपने घर की पल पल की अपडेट अपने सन की बॉयफ्रेंड को देती थी। वहीं एक दिन मौका पाकर इस सनकी मुकेश ने राजकुमार के सिर पर धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसी हमले के दौरान घर में मौजूद 8 साल का मासूम तनिष्क अपने पिता को बचाने के लिए सनकी कातिल के पैरों में लिपट गया, लेकिन इस कातिल के सिर पर तो खून सवार था, तो इसने इसी धारदार कुल्हाड़ी से इस नादान के सिर और गर्दन पर लगातार वार कर दिए और इस नन्हे को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वहीं दुख की बात है, उस समय यह प्यार में अंधी लड़की अपने सन की बॉयफ्रेंड का साथ दे रही थी और पास ही खड़ी मूक दर्शक बनी थी। वहीं जब इन दोनों ने पिता और छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया, तो सन की प्रेमी मुकेश और गर्लफ्रेंड ने मिलकर छोटे तनिष्क की लाश के टुकड़े बनाए और फ्रिज में ठूंस दिया, और साथ ही पिता की लाश को थैली में भर दिया। वहीं इनका यह भी प्लान था कि दोनों लाशों के टुकड़े बनाएं और बाद में इन्हें बाहर ठिकाने लगा दें, लेकिन दोनों खून देखकर डर गए, इसलिए गर्लफ्रेंड के भाई की लाश को फ्रिज में रखा और पिता की लाश को थैली में पैक कर दिया। वहीं इसके बाद इन दोनों ने फर्श में खून साफ किया और पास ही अगरबत्ती जलाई ताकि बदबू आसपास ना फैले, और इसके बाद इसी घर में अपने पिता की लाश के पास ही प्यार में अंधे इन आशिकों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। वहीं अब दोनों ने अपने रास्ते के कांटे यानी राजकुमार को तो रास्ते से हटा ही दिया था, अब घर से भागने से पहले इन दोनों ने राजकुमार के बैंक खातों से कई ट्रांजेक्शन किए और लगभग 1.5 लाख के करीब पैसे निकाले। फिर लड़के ने अपने ऊपर सारे हत्या का दोष लगाने के लिए एक योजना बनाई ताकि गर्लफ्रेंड पर कोई कार्रवाई ना हो, तो गर्लफ्रेंड को उसके चचेरे भाई को एक वॉइस नोट भेजने को कहा, जिससे मुकेश को हत्या करने के लिए दोषी ठहराया जाए। वहीं इसके बाद यह दोनों घर से फरार हो गए। वहीं चचेरे भाई ने यह सारी सूचना अपने पिता यानी लड़की के चाचा को दे दी। चाचा तुरंत ही पुलिस के साथ घर पर पहुंचे, लेकिन यहां घर पर ताला लगा था, तो पुलिस ने यह ताला तुड़वाया, और जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो किचन में राजकुमार की लाश खून से लथपथ एक पॉलिथीन में कवर पड़ी थी। वहीं फ्रिज में पॉलिथीन के अंदर चादर में लिपटी तनिष्क की खून से सनी लाश थी, जिसके कुछ टुकड़े किए गए थे। वहीं पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और रिपोर्ट में सामने आया कि पिता पर धारदार हथियार से 10 और 8 साल के बेटे पर 6 से भी ज्यादा वार किए गए थे।
साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि राजकुमार पर वार इतना तेज किया गया था कि एक ही बार में सिर की सभी हड्डियां टूट गई और साथ ही छोटे 8 साल के तनिक्स की सारी सिर की हड्डियां भी एक ही बार से टूट गई। वहीं आपको बताते चले इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। घटित हुई थी तो आरोपी और जो नाबालिग बच्ची है उन्हें जो भी वहाँ एक्टिविटी उनकी हुई थी तो उसी को जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी तक आरोपी हमारे पास था नहीं, अभी उसको लेके आने से अब वो एक्चुअल जो घटना हुई थी उसने जैसा बताया उसको हमने जो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है उसके साथ मैच किया है तो लगभग वो मैच हुआ है जी। तो इसमें शारीरिक संबंध बनाने की बात आई है घटना के दौरान, पहले हत्या के बाद जी? घटना के बाद और ब्लड वगैरह साफ करने के बाद उन लोगों ने ऐसा किया है, उसकी भी साक्ष्य मिले हैं। ये यहाँ पर उसके बाद कुछ बना के भी खाया, मैगी बना के भी खाते रहे और ट्रेनों में भी इन्होंने फरारी के दौरान भी हो गया 376। हाँ, जब इन लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो इन लोगों ने ट्रेनों का जो शताब्दी ट्रेन है उनका जो बचा फूड रहता है जो पैसेंजर छोड़ जाते हैं वो भी उन्होंने खाया है, लंगरों में भी खाया है, भंडारों में भी खाया है, खा के पैसे ख़त्म होने से ऐसे काम चलाया है। 376 जो दर्ज किया है वो किन किन आधारों पर दर्ज किया आपने, क्या पाया? चूँकि वो बच्ची माइनर है और उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, उसके सहमति का कोई मतलब नहीं है और वह माइनर है, उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है तो इसलिए हमने आरोपी के खिलाफ 376 की कार्रवाई की है। ट्रेनों में भी सर फिजिकल रिलेशन बनाए गए थे जी, उन्होंने हमें बताया है कि जब वो ट्रेन से यात्रा करते थे तो वो जब ट्रेन स्टार्ट होती थी जो भी डिपार्चर टाइम था उसके 2 घंटे पहले आ जाया करते, जब ट्रेन खाली होती थी तो उस समय ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अभी सर किसी चीज़ की बरामदगी चीज़ अभी मिला है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी, वो हम नहीं बता पाएंगे। बेंगलोर भी जा रही है पुलिस टीम जा रही है अभी, वो पुख्ता नहीं है अभी, हम लोग पुख्ता कर लें जानकारी उससे और अच्छे से हम पूछताछ कर लें उसके बाद ही बता पाएंगे। टैटू का क्या रहा है? टैटू उसने पूछताछ में बताया है आरोपी ने कि उसने जब वो जेल से बाहर आया था 376 के मामले जब वो जेल गया था उसके बाद बाहर आया था तो उसने उसके अंदर जो बदले की भावना डेवलप हुई थी तो उसने टैटू बनवाया था शैतान का चित्र और उसमें 5 खोपड़ियाँ लगी हुई थी और 5 खोपड़ियाँ 5 व्यक्तियों का प्रतीक है जिनकी उनको हत्या करनी थी। भैया जांच के लिए बाहर भी टीम जाएगी, जहाँ जाएगी। वही ये दोनों पुलिस को चकमा देने के लिए भारत के अलग अलग कोनों में जाकर अपनी लोकेशन बदलते रहे। साथ ही पुलिस से जानकारी मिली है कि ये दोनों ने वो सारे 1.5 लाख से ज्यादा रुपए अलग अलग जगहों में घूमने में खर्च किए और साथ ही इनकी लोकेशन बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर पर भी मिली और वही इन दोनों को यह पता चल गया था कि पुलिस भी इनका पीछा कर रही है तो इसलिए इन्होंने सबसे अधिक सावधानी बरती और साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम किया। वहीं इसी तरह ये दोनों भागते छिपते कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलुरु, उड़ीसा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, वृंदावन और नेपाल तक, यानी ये दोनों मौत की घटना को अंजाम देने के बाद से लगभग 2 महीनों में 8,500 किलोमीटर तक जबलपुर पुलिस को चकमा देते हैं। वहीं इनकी एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रही है जिनमें यह दोनों साथ ही एक रेलवे स्टेशन के पास ही साथ ही जाते दिख रहे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से यह दोनों साथ ही घूम रहे और साथ ही यह दोनों बेंगलुरु में एक दोस्त के घर पर भी जाकर रुके थे जहां इन्होंने उस हथियार को भी छोड़ दिया था जिससे 2 हत्याओं को अंजाम दिया था। साथ ही दोस्त को भी हत्या का पता चल गया था तो इसलिए दोस्त ने इन्हें वहां से भगा दिया। वहीं इसके बाद ये उड़ीसा से कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, चंडीगढ़ गए। वही यह सारी यात्राएं इन्होंने ट्रेन से की और साथ ही पुलिस से बचने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए एक स्थान पर रुके। यानी कहा जाए तो ये दोनों इतने चालाक थे कि हर समय जबलपुर पुलिस से एक कदम आगे ही रहे। वहीं जब अमृतसर रुके तो वहां ये दोनों ज्यादातर गुरुद्वारों में रुके और वही लंगर में खाना खाते। वही पुलिस का कहना है कि इसके बाद यह दोनों बेंगलुरु में बसने का प्लान बना रहे लेकिन इन सब यात्राओं में सारा पैसा खर्च हो गया था तो इसलिए इन्होंने हरिद्वार को अपना आखिरी पड़ाव बनाया। वहीं हरिद्वार पहुंचने तक इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई तो जैसे ही यह दोनों हरिद्वार पहुंचे तो सन की आशिक ने सामान लाने का बहाना बनाकर इस लड़की को यहीं हरिद्वार में छोड़ दिया। वहीं आप वीडियो में देख सकते हैं हरिद्वार के सीसीटीवी का है। जब ये दोनों यहां पहुंचे थे वहीं जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब तक यह हरिद्वार पहुंचे तो इनका पैसा लगभग खर्च हो गया इसलिए इन दोनों ने तय किया कि वह हरिद्वार ही रहेंगे और साथ ही इस पैसे की कंगाली में इन दोनों ने हरिद्वार में भीख भी मांगी और भंडारे में खाना खाकर गुजारा किया और साथ ही हालत इतने बदतर थे कि थालियों का टूटा खाना भी चाट कर खाए।
वहीं हरिद्वार में जब मुकुल लड़की को छोड़कर भाग गया तो लड़की इसी दौरान सरकारी अस्पताल के गार्डन के पास ही सोई हुई। वहीं इसी बीच एक महिला पुलिसकर्मी को इस लड़की पर संदेह होने लगा और पूछताछ करने पर इस लड़की ने सारे राज खोल दिए और इस खबर की सूचना जबलपुर पुलिस को दे दी। तो जबलपुर पुलिस हरिद्वार के लिए रवाना हो गई और बीते 29 मई को इस लड़की को गिरफ्तार किया गया। मुकुल जैसा कि जब तक पब्लिक, चूंकि पुलिस नहीं थी उस समय तत्काल में हरिद्वार की लोकल, तो उसको मौका मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में अब ये जो बच्ची मिली है उससे भी अब जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त होगी, कुछ उससे भी मदद मिलेगी और वहाँ यूपी उत्तराखंड पुलिस को भी इस बारे में जानकारी पुनः दे दी गई है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी पकड़ में आ जाएगा। अब ये सब बातें अभी उसके जो नाबालिग है उसके लौटने पर ही चीज़ें स्पष्ट होंगी, पर यह समझ में आया कि अब उनके पास जो पैसे बचे नहीं थे, जो फ़ोन पर जो बात हुई है लड़की से, तो बता रहे थे कि हरिद्वार में चूंकि आश्रम और इस तरह के स्थान बहुत हैं तो वहाँ पर खाने पीने की सुविधा रहने की मिल जाती है, तो वो लोग ऐसे ही समय काट रहे थे। सर, बच्ची को जबलपुर पुलिस लेकर के आई? हाँ, अभी कल रवाना हुई है, अब संभवतः कल तक वापस लेकर आएगी। साथ ही अपनी प्रेमिका के गिरफ्तार होने की सूचना मिलने पर बॉयफ्रेंड ने भी दो दिन बाद ही यानी 31 मई को जबलपुर के ही सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर। वहीं 77 दिनों तक पुलिस और इस दरिंदे सन की आसी के बीच चले चूहे बिल्ली का खेल इसके सरेंडर के बाद खत्म हुआ। वहीं जब इस सन की दरिंदे ने सरेंडर किया था तो इसने खुद ही अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोला, मैं हूं मुकुल सिंह, जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क को मौत के घाट उतारा। वहीं आपको बताते चले, पुलिस ने इस आरोपी को कोर्ट की मंजूरी से बीते शुक्रवार को 7 दिनों की रिमांड में ले लिया है। इस दौरान पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर सारे साक्ष्य जुटाई। जानकारी के मुताबिक इस सनकी आसिक को पुलिस बेंगलुरु भी लेकर जाएगी, जहां उसने अपने दोस्त के पास हथियार छिपाया। वहीं लड़की ने इस सनकी आसिक पर रेप के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि लड़की भले ही नाबालिग है, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाए। साथ ही कोशिश की जाएगी इस लड़की को नाबालिग ना मानते हुए एक वयस्क के रूप में इसके खिलाफ सुनवाई की जाएगी।